उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बाइक से बदमाशों का पीछा करते वक्त एक शख्स को अंदाजा न था कि उसकी ये कोशिश कितनी खतरनाक हो सकती है। बदमाशों ने उस बाइक सवार पर गोली चला दी जो उसकी 4 साल की मासूम बेटी को लग गई। बच्ची आईसीयू में भर्ती है। जरा अंदाजा लगाइए कि जिस मासूम बच्ची के लिए इस माँ का दिल हर पल धड़कता है, उसे गोली मार दिए जाने का ख्याल भी इसके लिए कितना भयंकर रहा होगा। किस तरह सिहर और तड़प उठती होगी ये माँ, कैसे बर्दाश्त कर पा रही होगी इस सदमे को ये माँ। लोग बाइक पे लोग जा रहे थे तो वो लोग भी बाइक पे ही थे और चैन खींच के भाग गए। कैसी कौन सी बाइक थी? पल्सर की थी। उन लोगों की पल्सर की बाइक, नंबर प्लेट नहीं था उनका, चैन ही प्लेट कर चुके थे वो। हाँ, और रेडलाइट पे फंस गए क्योंकि हम लोग पीछे पीछे थे, बहुत कम डिस्टेंस थी, तो उन्होंने लगा के पकड़ा जाएंगे, इसके कारण उन्होंने गोली चला दी। अब बेटी मेरी आ गई थी इसलिए बेटी मार दी। दरअसल उदय राय अपनी पत्नी और 4 साल की बेटी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी दो बाइक सवारों ने पत्नी की चेन छीनने के लिए उन पर झपट्टा मारा। उदय राय ने दिलेरी दिखाते हुए झपटमारों के पीछे अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा दी, लेकिन उदय को अंदेशा नहीं था कि चेन छीनकर भाग रहे बदमाश क्या कर सकते हैं, चेन को वापस पाने की ये कोशिश कितनी महंगी पड़ सकती है। बदमाशों ने पलट कर गोली चला दी जो मासूम के जिस्म में उतर गई। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में बाइक पे एक फैमिली जा रही थी, न्यायखंड के रहने वाले हैं, ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तभी एक बाइक पे, काले रंग की बाइक पे दो लोग आए हैं। उन्होंने इनसे चेन छीनने का प्रयास किया और उसके बाद में इन्होंने उनका पीछा किया और जैसे ही पास में पहुंचे तब उन्होंने फायर किया, इसमें बच्चे को गोली लगी, लेकिन फिलहाल तुरंत पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच के बच्चे को एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में, उसका इलाज करवाया गया, बुलेट को निकाल लिया गया और फिलहाल उसकी हालत स्थिर। गाजियाबाद के छुट्टे बदमाशों की बर्बरता और बेशर्मी का हाल ये है कि वो चेन झपटने के बाद अगर कोई उसे वापस पाने की जद्दोजहद करता है तो गोली मार देते हैं। एक चेन के लिए वो ये नहीं देखते कि गोली 4 साल की मासूम पर चला रहे हैं। जैसा कि अक्सर होता है, इस बार भी वारदात पुलिस चौकी के पास हुई, लेकिन पुलिस का खौफ उन बदमाशों से बहुत दूर रहा। अगर खौफ होता तो वो चेन झपटने की कोशिश ही नहीं करते, गोली मारना तो बहुत दूर की कौड़ी थी। अनुज मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक।